आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ CS3 डिजीपे लाइट सर्विस से कैश आउट यानी कि पे आउट कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है CS3 डिजीपे लाइट सर्विस बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है और यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से किसी भी कस्टमर का, चाहे उसको आपको बैंक अकाउंट बैलेंस चेक करना हो या फिर कैश विड्रॉल करना हो या मिनी स्टेटमेंट चेक करना हो, बहुत ही आसानी से आप इसमें कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसमें दो वॉलेट दिया गया है, वॉलेट 1 वॉलेट 2। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आखिर ये वॉलेट 1 वॉलेट 2 क्या है। वॉलेट 1 में दोस्तों आप कभी भी किसी भी कस्टमर का मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सबसे पहले वॉलेट 1 रिचार्ज करना होगा। आप वॉलेट 2 से अमाउंट डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। वॉलेट 1 में रीडेट के अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना है तो वॉलेट 1 में आपको अमाउंट ले जाना होगा। साथ ही आप वॉलेट 2 का बैलेंस देख सकते हैं, ये जो बैलेंस आपको दिख रहा है ये दोस्तों कैश विड्रॉल का है। जब भी आप किसी भी कस्टमर का बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉल करते हैं तो वॉलेट 2 में आता है। यही वॉलेट 2 में जो अमाउंट है वो हम कैश आउट करना सीखेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए ताकि CST से जुड़ी जब मैं कोई नया टॉपिक पर वीडियो पोस्ट करूंगा सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। आप सभी को बता दूं कि CST डिजीपे लाइट सर्विस को अभी तक आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है तो इसके लिए ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और यहाँ पे CST डीजीपे का सर्विस में जा सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया गया है कि आप कैसे बहुत ही आसानी से CST डीजीपे लाइन में अपना अकाउंट बना सकते हैं, साथ ही आप इसमें कैसे अपना KYC कर सकते हैं। आपको बता दूं कि हमारा एक वेबसाइट पेज है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। CST का जो डीजीपे सर्विस है उसका सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे डीजीपे लिख सकते हैं, उसके बाद आप सर्च कर सकते हैं इस वेबसाइट के सर्च बटन में जाकर के। अभी आप देख सकते हैं आपके सामने आर्टिकल आ जाएगा, डीजीपे का लेटेस्ट वर्जन का लिंक आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चाहे आपको जो भी RD सर्विस वगैरह यूज करना है उसका पूरा यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका भी बताया गया है, साथ ही आपको डाउनलोड करने का लिंक भी दिया हुआ है। चलिए वीडियो के टॉपिक में आते हैं, CST डीजीपे लाइट सर्विस से हम कैश आउट कैसे कर सकते हैं। कैश आउट करने के लिए बहुत ही आसान है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे कैश आउट का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं सेलेक्ट सर्विस टाइप दिया हुआ है। अगर आप वॉलेट 2 से वॉलेट 1 में ट्रांसफर करना चाहते हैं अमाउंट तो कैश आउट के ऑप्शन में आपको यहाँ पे आप इसके लिए वॉलेट ट्रांसफर पर क्लिक करके आप अमाउंट इंटर करके ट्रांसफर कर दीजिएगा, वॉलेट 2 का अमाउंट वॉलेट 1 में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपको बैंक अकाउंट में कैश आउट चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपली वो अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इंटर किया है अमाउंट, उसके बाद यहाँ पर आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट कीजिएगा जो भी बैंक अकाउंट आपने ऐड किया हुआ है। अगर आपने बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया हुआ है तो ऐड अकाउंट पर क्लिक करके आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक IMPS और एक NEFT। IMPS पर क्लिक करके आप इंस्टेंट आप अपने बैंक अकाउंट में कैश आउट ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कैश आउट सक्सेसफुली हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप CST डीजीपे लाइट सर्विस से कैश आउट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया है प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।